स्कंदगुप्त प्राचीन भारत में शासन करने वाले गुप्त राजवंश के पराक्रमी राजा थे। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो वर्तमान समय में पटना के रूप में बिहार की राजधानी है। स्कंदगुप्त को राज सिंहासन पर बैठते ही हूणों के आक्रमण का सामना करना पड़ा, जिसमें स्कंदगुप्त को सफलता मिली। इनकी स्वर्ण मुद्राओं पर विक्रमादित्य की उपाधि मिलती है। हालांकि अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में स्कंदगुप्त ने कम सोने के सिक्के जारी किए और इनमें से कुछ सिक्कों में अपेक्षाकृत कम मात्रा में सोना है। यह संभव है कि उनके द्वारा लड़े गए विभिन्न युद्धों ने राज्य के खजाने पर दबाव डाला हो, हालांकि यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। स्कंदगुप्त के शासन के प्रारंभ में गुप्त साम्राज्य आंतरिक व बाहरी समस्याओं से ग्रसित था। स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख, जूनागढ़ अभिलेख तथा चंद्रगुप्त परिपृच्छा आदि अभिलेखों एवं साहित्यिक स्रोतों से हूण आक्रमण का एवं स्कंदगुप्त के द्वारा उनको पराजित करने का उल्लेख मिलता है। यह युद्ध संभवतः उत्तर पश्चिम सीमावर्ती क्षेत्र में हुआ। स्कंदगुप्त ने बाह्य शत्रुओं, पुष्यमित्रों व हूणों को परास्त कर गुप्त साम्राज्य को भीषण संकट से बचाया एवं गुप्त साम्राज्य को स्थायित्व व व्यवस्था प्रदान की। इसके अतिरिक्त उसने वाकटकों तथा नागवंश के आक्रमण को असफल कर उनके क्षेत्रों पर अधिकार कर साम्राज्य की रक्षा की व क्षेत्र में वृद्धि की। स्कंदगुप्त ने अपने साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा तथा सुदृढ़ प्रशासन व्यवस्था स्थापित करके साम्राज्य को स्थायित्व दिया। स्कंदगुप्त ने समस्याओं का धैर्य और साहस से मुकाबला किया और वह सफल भी रहा। उसने विघटनकारी प्रवृत्तियों पर रोक लगाई। यह उसके शौर्य का जीवंत प्रमाण है कि अनेकानेक विपत्तियों के होते हुए भी उसने बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक विस्तृत अपने साम्राज्य को अक्षुण्ण रखा। स्कंदगुप्त की सफलताओं का आधार उसकी प्रशासनिक व्यवस्था थी। उसने पश्चिमोत्तर सीमा का महत्व समझा एवं उसकी सुरक्षा का समुचित प्रबंध किया। उसने साम्राज्य को प्रांतों में विभक्त किया एवं योग्य प्रांत पतियों की नियुक्ति की, जो पूर्ण रूप से प्रजाहित को महत्व देते थे। वह प्रजापालक, उदार तथा धर्मसिष्णु शासक था। उसके साम्राज्य में सभी संप्रदायों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। उसका बुद्धिमता पूर्ण शासन, उसके शौर्यपूर्ण युद्ध, उसकी स्वदेशी भक्ति, इन सब ने स्कंदगुप्त को महान गुप्त सम्राटों में से एक बना दिया। शक शासक रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेखानुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जन कल्याण हेतु गिरिनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था। इस झील का निर्माण सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर वैश्य पुष्यगुप्त द्वारा किया गया था। बाद में सम्राट रुद्रदामन द्वारा इसकी मरम्मत कराई गई थी। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेखानुसार स्कंदगुप्त ने सौराष्ट्र में पूर्णदत्त को गवर्नर के रूप में नियुक्त किया। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील के पुनरुद्धार का कार्य गवर्नर पूर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित को सौंपा था, जिसने झील के किनारे एक विष्णु मंदिर का निर्माण भी करवाया था। सुदर्शन झील प्राचीन भारत के शासकों द्वारा जल प्रबंधन एवं संरक्षण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। स्कंदगुप्त की मृत्यु के साथ गुप्त साम्राज्य विघटन एवं विभाजन की दिशा में अग्रसर हुआ। स्कंदगुप्त के पश्चात पुरुगुप्त, नरसिंहगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुद्धगुप्त, बालादित्य द्वितीय, कुमारगुप्त तृतीय और विष्णुगुप्त ने शासन किया, लेकिन धीरे धीरे उनका राज्य सीमित होता गया। संभवतः बंगाल के गौड़ों ने अंतिम रूप से गुप्त साम्राज्य को समाप्त किया। गुप्तों के पतन का मूल कारण केंद्रीय शक्ति का दुर्बल होना था। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने गुप्त सम्राटों के बौद्ध धर्म की ओर झुकाव को भी इनके पतन का कारण माना है। गुप्त सम्राटों ने सैनिक शक्ति और शांतिपूर्ण विदेश नीति का पालन नहीं किया, जिसके कारण विदेशी शत्रुओं, शक्तिशाली सामंतों एवं अधीन शासकों को लाभ उठाने का अवसर मिला। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद ने सन 1928 में स्कंदगुप्त नामक नाटक लिखा था, जो स्कंदगुप्त के जीवन पर आधारित है। 1960 के दशक में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में प्राचीन भारतीय नाटक की प्रोफेसर शांता गांधी ने 1928 में लिखे गए जयशंकर प्रसाद के इस नाटक को मूल स्क्रिप्ट में थोड़े बदलाव के साथ सफलतापूर्वक मंचित किया। स्कंदगुप्त की विरासत एक ऐसे नायक के रूप में आज भी कायम है, जिसने प्राचीन भारत को
मध्य एशियाई आक्रमणकारियों से बचाया था। प्रशासन और शासन में उनके योगदान से वे भारतीय इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ गए। हालांकि उनके शासनकाल ने गुप्त साम्राज्य के पतन की शुरुआत को चिन्हित किया, लेकिन एक योद्धा, प्रशासक और कला के संरक्षक के रूप में स्कंदगुप्त का स्थायी प्रभाव सराहनीय है, जिसका अध्ययन भी किया जाता है। भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार देने में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है।